और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरी फेवरेट और हम सबकी फेवरेट डिश, जिसका नाम है मेरी प्यारी बिरयानी। क्यों दोस्तों, मुंह में पानी आ गया ना नाम सुन के ही? आप में से बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि भाई नितिन, जब भी तेरे यहाँ आए हैं, तेरे हाथ की बिरयानी का टेस्ट हमें आज भी याद है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी अपने घरों में इसको बनाए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं और बनाते हैं मेरी प्यारी बिरयानी। इस डिश को आसान बनाने के लिए मैंने इस बिरयानी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसका पहला स्टेज है मैरिनेशन, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसे कैसे मैरिनेट किया जाए। दूसरा स्टेज है जहां पे चिकन और बिरयानी राइस को अलग अलग पकाएंगे, और तीसरे स्टेज में इन दोनों को हम दम पे पकाएंगे। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि कैसे मैरिनेट किया जाता है और उसके लिए क्या क्या हमें लगने वाला है। यहां पे मैंने लिया हुआ है करीब 1 kg चिकन। चिकन के मैंने ऐसे बड़े पीसेस कर लिए, कोशिश करो कि आप भी बड़े पीसेस लो, क्योंकि छोटी पीसेस में बिरयानी में मजा नहीं आता। यहां पे मैंने कुछ लिए हुए गरम मसाले, जिसमें है धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आपको डालनी है और थोड़ा सा तीखा। याद रखिए कि तीखा आप ज्यादा ना डालें, क्योंकि ज्यादा तीखा बिरयानी में मजा नहीं आता। और यहाँ पे देखें आप, धनिया के पत्ते काटे हुए हैं और पुदीना के पत्ते कुछ है जो काट के रखे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ है जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा नींबू हम ऊपर से डालेंगे, और यहाँ पे है दही, ये मैंने गाढ़ा दही लिया हुआ है जो मैरिनेट में यूज होगा। प्लस यहाँ पे दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है कि एक बिरयानी मसाले की आपको जरूरत पड़ेगी। आप इसको घर में भी बना सकते हैं और बाजार में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पे मैंने जो लिया हुआ है, एक शान का चिकन बिरयानी करके आता है, ये मैंने लिया है। आप इंडिया में होगे तो मैं प्रिफर करूंगा सुहाना का एक आता है, या जैसे मैंने कहा आप इसको घर में भी बना सकते हैं बिरयानी मसाला और फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप डालोगे तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं मैरिनेशन में। तो पहले हम इसमें डालते हैं नमक, फिर डालते हैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और तीखा। इसके ऊपर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऊपर से हम डालेंगे दही, और ये जो मैंने सीक्रेट या कोई भी बिरयानी मसाला आप मार्केट में जो है वो अवेलेबल है वो डाल दीजिए इसमें। और हम डालेंगे अपना कटा हुआ धनिया और कटे हुए पुदीना के पत्ते, प्लस इसमें अपन ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें तुमको लगने वाली है एक अच्छे मैरिनेशन के लिए। आप आइए इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, कुछ देखो कि सारे मसाले एक साथ मिल जाए। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मैरिनेशन जो है इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको, एक तो इसको आप 12 घंटे या रात भर रख सकते हो, या कम से कम 2 घंटे भी आप अगर इसको रखोगे तो आपका चिकन जो है वो बहुत अच्छा जूसी और टेंडर बनेगा, जिसके कारण आपके बिरयानी में और 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों ये मैरिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है ना। आइए दोस्तों अभी देखते हैं, मैंने चिकन को करीब 2-3 घंटे मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था, और इसे मैंने अब जस्ट फ्रिज से निकाला है। आप देखते हैं ये सारे मसाले जो है वो चिकन में अच्छे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ ध्यान देने वाली चीज दोस्तों ये है कि इसमें मैंने ऑयल या घी बिल्कुल नहीं यूज किया हुआ है, क्योंकि उससे क्या होता है तुम्हारा मैरिनेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसमें तेल या घी का बिल्कुल उपयोग ना करें, और बाकी चीजें वैसी ही है जो मैंने आपको बताई थी। और अभी इसको अपन बनाते हैं स्टेज 2, जहां अपन चिकन और राइस को सेपरेटली पकाएंगे और फिर उस पे लगाएंगे अपन बिरयानी का दम। आइए जाते हैं स्टेज 2 की तरफ। आइए दोस्तों अब हम स्टेज 2 में बनाएंगे बिरयानी का राइस। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया हुआ है,
और बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है उबालने के लिए। अब इस पानी के अंदर जाएंगे कुछ खड़े मसाले। मसाले के अंदर मेरे पास है यहाँ तेज पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस। ये सारी चीज़ें जाएंगी अपनी पानी में, उबलते पानी में, और उसके साथ जाएगा थोड़ा सा तेल आपको लगेगा ताकि वो चावल थोड़े खुले खुले बने। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कम से कम 1 किलो राइस। आप अपने चिकन के हिसाब से राइस लो। मैंने इस राइस को अच्छे से धो दिया हुआ है और यहाँ फिर मैंने सोक करने के लिए इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रखा हुआ है। यहाँ आप देखोगे जो भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने यहाँ पानी में डाल दिए हैं। अभी मैं उसे उबलने दूंगा 10 से 15 मिनट ताकि ये सारे मसालों का अर्क जो है वो इस पानी में आए, ताकि जब हम इसमें राइस उबाले वो फ्लेवरफुल राइस बन के बाहर हो। तो अभी इसे 10-15 मिनट देंगे। आप इसे झांक सकते हो, इसे कवर कर दो। 10-15 मिनट में ये पानी उबलेगा और फिर अपन इसमें डालेंगे अपना सोक किया हुआ राइस और फिर उसे हम उबलने देंगे। देखो दोस्तों, अभी पानी कैसे उबल गया है। ऐसा ही आपको उसको उबालना है ताकि सारे मसाले उसमें, मसालों का अर्क जो है वो आपके पानी को लगे। और फिर ये जो सोक किया हुआ राइस जो है मैं इस पानी में डालने वाला हूँ। संभाल के आपको उसको डालना है क्योंकि पानी बहुत गर्म रहेगा। इस चावल को आपको तब तक उबालना है तब तक जब तक ये चावल ऐसा उछलना चालू ना करे। याद रखिए, आपको इसको यहाँ पे सिर्फ 70-80% तक ही पकाना है और बचा हुआ चावल अपन जब बिरयानी को दम देंगे उसके अंदर उसे पकाएंगे। देखो 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे, ये 10 मिनट में ही चावल कैसा अपना पक चुका है। बिल्कुल हल्का सा ये तुम्हें कच्चा मिलेगा। ये देखिए दाना, ये हल्का सा टूट रहा है। यही टेक्सचर हमें चावल का चाहिए। इसे अभी हम बंद करेंगे और इस पानी को हम इस चावल से निकाल देंगे। सारा पानी आपको इससे बाहर निकाल लेना है। देखिए चावल, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना बिरयानी के लिए। ये अपनी स्टेज 2 की आधी स्टेप बिरयानी राइस की कंप्लीट हो गई है। आइए दोस्तों, अभी हम मूव करेंगे स्टेज 2 की रिमेनिंग प्रोसेस, जिसमें अपन चिकन को पकाएंगे। चिकन पकाने के लिए आपको लगेगा इसमें बहुत सारा प्याज। दोस्तों प्याज में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको आपकी बिरयानी जो है वो मसालेदार बनानी है तो प्याज आपको ज्यादा लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्याज लिया जो मेरे पास था। आप 2 या 3 प्याज ले लीजिए और इसको स्लाइसेस करेंगे अपन और फिर तेल में इसको अपन फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। आइए दोस्तों, अभी हम मूव करेंगे सेकेंड स्टेज के लास्ट पार्ट में, जिसमें अपन चिकन बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया हुआ है। ये बर्तन में अपन अपना चिकन भी पकाएंगे और इसी में अपने राइस को और बिरयानी को दम भी देना है। तो आप ऐसा बड़ा सा बर्तन लीजिए जिसमें आपका चिकन और राइस दोनों आ पाए। इसमें मैंने डाल दिया है बहुत सारा तेल और ये सारे चॉप्ड ऑनियन जो है मैं सारे इसमें डाल देने वाला हूँ और इसको अपन फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। दोस्तों इसको फ्राई होने देना है, ये कम से कम 10-15 मिनट लेंगे। अब आप देखोगे 10 मिनट बाद आप देखोगे ये जो ओनियंस है, अपने प्याज जो है वो कैसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। यही इसी स्टेज में हमें ये प्याज चाहिए। अभी हम इसे बंद करेंगे और अपनी फाइनल स्टेज जो है वो बिरयानी को दम लगाने की, उसकी शुरुआत करेंगे।
अब हम आए हैं बिरयानी की अपनी फाइनल स्टेज में, जहां हम अपने बिरयानी को दम लगाने की प्रोसेस को शुरुआत करेंगे। तो यह बर्तन में जहां अपन ने ऑयल में प्याज फ्राई किए हुए थे उसे हमने वैसे ही रखा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। हाँ दोस्तों, इसको हम कच्चा ही चिकन इसमें हम डालने वाले हैं और इसे हम फिर दम पे पकाएंगे। तो ये सारा चिकन मसाले के साथ हमने अपने बड़े बर्तन पे, जिसमें अपन ने प्याज ब्राउन किए हुए और तेल डाला हुआ है, उसमें अपन ने सारे पीसेस अपने डाल दिए हैं। इसके ऊपर आप डालो थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, हरा धनिया और कुछ पुदीना। मैंने थोड़े से, मेरे पास फ्राइड ऑनियंस भी है, तो मैं भी इसको थोड़ा ऊपर से डाल दूंगा। ये हो गई तुम्हारी पहली लेयर चिकन की। इसके ऊपर आपने जो राइस, जो अपना हाफ कुक बोले या थोड़ा कच्चा सा राइस है, वो उसको अपन इसके ऊपर डालेंगे। ये सारा राइस आपको इसके ऊपर डाल देना है। आप इसको थोड़ा लेयर कर लीजिए। देखिए, अब इस पे अपन डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, जो थोड़ा अपना बाकी है वो भी इस पे अपन डाल देंगे। इसके ऊपर अपन डालेंगे थोड़ा से फ्राइड ऑनियंस। इसके ऊपर अपन डालेंगे थोड़ा गरम किया हुआ घी। और इस पे ऊपर अपन डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये दूध डालने से दोस्तों आपकी जो बिरयानी है वो ड्राई नहीं बनेगी। ये दूध मॉइस्चर बना के रखता है, इसके कारण वो जो ड्राइनेस है वो रहेगा नहीं। और बचा हुआ थोड़ा सा आपके पास अगर वो जो बिरयानी मसाला जो है वो भी आप ऊपर से इसको थोड़ा सा डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका दम का प्रोसेस। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको एक अच्छे से ढक्कन लगा के इसको आपको सील करना है। जैसे मैंने ये यहाँ लगा लिया, अब मैं इसको आटे से इसको पूरा सील करूँगा। इसको आटे से सील कीजिए ताकि जो भाप बनती है दोस्तों वो बाहर ना जा पाए। तो इसको अच्छी तरह से आप सील कर लीजिए। हर तरफ से आपको सील करना है, कहीं से भाप ना बाहर आए, तभी ये दम जो है ये बिरयानी को अच्छा बैठेगा। इसके बाद आपको इसको कम से कम 40 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको पकाना है। आपका जब तक चिकन पकता नहीं है तब तक आपको मीडियम आंच पे इसको पकाना है। और फिर इसको 40 मिनट के बाद आप फ्लेम को बंद कर दीजिए और उसको भाप पे ही कम से कम आधा घंटा पकन दीजिए। आइए दोस्तों, तो ये आपकी प्रोसेस है दम बिरयानी बनाने की। अब मिलते हैं अपन 40 मिनट बाद। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मेरी प्यारी बिरयानी रेडी है मेरे दोस्तों। आप देखोगे इसे हमने करीब एक घंटा गैस पे रखा हुआ है, तो इसमें 30 से 40 मिनट तक हमने इसे मीडियम आंच पे पकन दिया हुआ है और फिर गैस बंद करके इसको अपन ने भाप पे पकाया हुआ है। एक घंटा के ऊपर हो गया है और मुझे लगता है कि बिरयानी रेडी है। हम इसे अभी खोलेंगे और देखेंगे ये कैसी बनी हुई है। आइए इसे खोलते हैं, देखते हैं कैसी बनी है मेरी प्यारी बिरयानी। एगो, वाओ वाओ, मस्त स्मेल आ रहा है मेरे दोस्तों। एकदम सारे मसालों का
बिरयानी का है ना, चावल सब चीज का एकदम मस्त स्मेल आ रहा हुआ है। देखो आपको कैसा लग रहा है ना, खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा था ना मुंह में तो पानी आएगा भाई, क्योंकि बिरयानी चीज ही ऐसी है। चलो अभी क्या करते हैं ना, अपन इसके ऊपर का जो वाइट राइस है इसे हम मैं साइड में निकालता हूं। देखो कैसा पका हुआ है राइस, देखो आप देख रहे हो मसालों के साथ में, और इतना मस्त स्मेल आ रहा है, वाह। अब आप देखोगे, आपको मैं पीसेस दिखाता हूं कि कैसे बने हैं, आपको लगेगा कि ये पका है कि नहीं। ये देखो दोस्तों, वाओ, ये आप देख रहे हो एकदम मसाला, सही मात्रा में मसाला बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा भी वाइट राइस लेता हूं, है ना, वाओ, दिस इज ऑसम। और बिरयानी खाते समय दोस्तों इसे ड्राई नहीं खाई जाती है ना, इसे क्या करेंगे अपन कुछ सलाद और या सालन के साथ खाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक सलाद बना हुआ है जिसमें हमने कुकम्बर डाला हुआ है, प्याज डाले हैं, टोमेटोज है, हरा धनिया डाला हुआ है, दही और नमक मिला के इसको अपन ने बनाया है। ये बड़ा सही जाता है बिरयानी के साथ में, तो इसको अपन डालेंगे, इस पे अपन डालेंगे थोड़ा सा मेरा बचा हुआ फ्राइड ऑनियंस, थोड़े से धनिया के पत्ते। आइए दोस्तों इसका टेक्सचर अपन देखते हैं कैसा बना हुआ है। ये उसी दिख रहा है दोस्तों, कैसा मीट एकदम टेंडर्ड हो गया है ना। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अपने से मैरिनेट किया हुआ है और अच्छे से इसको पकाया है दम पे। अभी इसे हमें एक बहुत गर्म है दोस्तों, तो एक स्पून लेते हैं, और पहला तो एक्चुअली मेरा लड़का बहुत मन कर रहा है उसका कि पहला उसे टेस्ट करना है, तो योहान यू वांट टू ट्राई, ये ही गो देखना। How is it? Good? Awesome. बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है दोस्तों, और मुझे यकीन है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी जब आप बनाओगे। मेरी प्यारी बिरयानी बहुत ही उम्दा। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बनाओ, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे कमेंट में लिखो कि आपको ये बिरयानी कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी बिरयानी।